नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हाईवे पर चोरियों की घटनाओं का अनावरण करते हुए अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय गैंग के 5 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे अयोध्या के दिशा निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़, अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान, आगामी विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत और हाईवे पर लगातार हो रही चोरियों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में और क्षेत्राधिकारी रुदौली और थानाध्यक्ष पटरंगा श्री विवेक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक जितेंद्र यादव के साथ गठित टीम ने सफलता प्राप्त की। मुखबिर खास की सूचना पर गठित उपरोक्त टीम को हाईवे पर गाड़ियों से डीजल और अन्य सामान चोरी करने वाले गैंग के 5 अभियुक्तों को कुशहरी जंगल रानी मऊ के पास से गिरफ्तार किया। हाईवे पर चोरियों की घटनाओं का अनावरण करते हुए अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय गैंग के 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और 31 गत्तों में कुल 1488 ट्रेटा पैक अंग्रेजी शराब, 4 प्लास्टिक के गैलन में चोरी का कुल 160 लीटर डीजल, 2 अदद अवैध तमंचा और 4 अदद जिंदा कारतूस और 1 अदद इनोवा कार बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने पत्रकारों को दी जानकारी। लाइव टीवी समाचार के लिए अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। 28 जो हाईवे है हमारे यहाँ, वहाँ पर पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं काफ़ी हो रही थी। जो गाड़ियाँ रात में ढाबे पर लगाकर ड्राइवर कंडक्टर सो जाते थे, उन गाड़ियों से डीजल चोरी की भी शिकायत आ रही थी। और बगल का हमारे बॉर्डर का थाना है रामसनई घाट जनपद बारामंकी, जहाँ से शराब चोरी की भी एक बार शिकायत, वहाँ मुकदमा लिखा हुआ है। तो इस तरह से चोरी का एक गैंग काफ़ी समय से सक्रिय था हाईवे पर, जो खड़ी हुई गाड़ियों से चोरियां करता था। आज एक टीम लगी थी उनको पकड़ने के लिए, घटनाओं के अनावरण के लिए आज सफलता प्राप्त हुई है और 5 लोग उस टीम के सदस्य हैं जो अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से जो रामसनई घाट में मुकदमा लिखा है शराब वाला, उसमें से कुल 31 पेटी शराब, 2488 जिसमें टेट्रा पैक की सील बंद शराब है 8 PM की, वो बरामद हुई है। कुल 267.84 लीटर शराब है वो बरामद की गई। इसके अलावा 180 लीटर कुल डीजल 4 गैलन में जो गाड़ियों से चुराते थे वो भी बरामद किया गया। 2 तमंचे भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। एक गाड़ी इनोवा जिससे घटना कारित करते थे वो भी बरामद हुई। इनके घटना करने का तरीका ये था कि ड्राइवर कंडक्टर कई बार रात में अगर लेट हो जाते हैं तो हाईवे पे ही ढाबा कोई देख लेते हैं, वहीं पर गाड़ी लगाकर आराम करने लगते हैं। जब वो सो जाते हैं तो ये करते क्या थे, कई बार डीजल निकाल लेते थे और कभी खुला रह गया पीछे से गाड़ी, या तिरपाल काट कर चोरी कर लेना। इस तरह से इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी और आगे पूछताछ की जा रही है। आगे विधिक जो भी कार्रवाई है उस मैक्सिमम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी इनके।